रॉयल इनफील्ड बाइक को कंपनी ने सबसे पहले 1932 में लॉन्च किया था, तो वहीं स्प्लेंडर बाइक को दो कंपनी हीरो और होंडा ने मिलकर 1994 में लॉन्च किया था। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की बुलेट को हर आम आदमी नहीं खरीद सकता, लेकिन स्प्लेंडर को हर कोई खरीद सकता है। लेकिन वहीं अगर आपको शो ऑफ करना है तो बुलेट होना जरूरी है। तो वहीं स्प्लेंडर की बात करें तो स्प्लेंडर शो ऑफ करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी स्प्लेंडर को बहुत खास माना जाता है। देखिए दोस्तों, अब आपने बुलेट जैसे तैसे ले भी ली, लेकिन बुलेट रोजाना कम से कम 100 रुपए का तेल पीती है, और वहीं स्प्लेंडर 100 रुपए के पेट्रोल में 3 से 4 दिन चलेगी। हीरो स्प्लेंडर आज लगभग इंडिया के हर घर में देखने को मिल जाएगी। तो वहीं रॉयल इनफील्ड भले ही हर घर में देखने को ना मिले, लेकिन ये भारत के सभी लोगों के दिलों पर राज करती है। दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की बुलेट 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ लेती है, तो वहीं स्प्लेंडर 95 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ती है। दोस्तों, अगर इन दोनों बाइक्स की रिसेल वैल्यू की बात करें तो रॉयल इनफील्ड के मुकाबले स्प्लेंडर की रिसेल वैल्यू काफी अच्छी है।